सिंगरौली में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट खिलाड़ी चंदन कुमार का सम्मान किया गया। चंदन कुमार को उपहार स्वरूप क्रिकेट किट भेंट किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सिंगरौली मुख्य महाप्रबंधक बसुराज गोस्वामी और वनिता समाज अध्यक्ष जयिता गोस्वामी ने चंदन कुमार को उपहार देकर उनका सम्मान किया। दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप के चयनित प्रतिभावान खिलाड़ी चंदन कुमार चिल्का डांड गांव के रहने वाले हैं। चंदन कुमार वर्ष 2017 से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। वर्ष 2018 में इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच में चंदन कुमार ने भारत को शानदार जीत दिलाई थी। उन्हें वर्ष 2022 में त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ दुबई में खेलने का मौका भी मिला था और उन्हें देश के कई हिस्सों में नागेश ट्रॉफी में भी खेलने का मौका मिला। चंदन कुमार अब तक कुल 24 मैच खेल चुके हैं और वे अब तक 1006 रन बना चुके हैं, जिनमें 2 शतक और 7 अर्धशतक लगा चुके हैं। भविष्य के लिए चंदन कुमार का दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप कोचिंग के लिए चयन हुआ और वे एक बार फिर जनवरी 2023 में नागेश ट्रॉफी खेलने जाएंगे। चयन हुआ और उसमें मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और फिर बाकी नेशनल अच्छा करते 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 मैं 2022 में जो दुबई में एक सीरीज हुआ ट्रायंगुलर सीरीज इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, उसमें मेरा नाम था, मैं खेलने गया और वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करके आया। NTPC के द्वारा हमें क्रिकेट किट बैग दिया गया है और इससे पहले हमारे DG के सदस्य हैं क्रिकेटर के रणजी भैया, उन्होंने अपने हमें बहुत ही सहायता किया। जब हमारे आर्थिक तंगी थी, हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा था खेलने के लिए, तो उन्होंने एक क्रिकेट किट की व्यवस्था की थी। उसके बाद ये NTPC के द्वारा दिया गया है, बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत गर्व की बात है चंदन कुमार जी, सिर्फ हमारा सोनभद्र का नहीं पूरा UP का नाम रोशन किया है। उन्होंने भारत का दृष्टिबाधित जो T20 टीम है, उन्होंने उसका मेंबर है, उन्होंने दुबई में जाकर भी सफल हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने आगे और सफलता लाभ करते रहेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।